गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हम ले रहे हैं बेंजीन की स्ट्रक्चर, उसको समझाने के लिए जो थ्योरीज दी गई हैं उनको। हमने इससे पहले वाली क्लास में बेंजीन की स्ट्रक्चर और उसको किन किन थ्योरी से समझा सकते हैं उसके बारे में हमने लिया था। आज हम इसको डिटेल में लेते हैं और इसको समझाने के लिए जो मॉडर्न थ्योरीज दी गई हैं उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालेंगे। जो मॉडर्न थ्योरीज हैं उसके अंदर तीन थ्योरी मेन आती है। पहली है एरोमेटिक सेक्सेट थ्योरी, फिर है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद लेते हैं रेजोनेंस थ्योरी। सबसे पहले हम लेंगे एरोमेटिक षट्क सिद्धांत, एरोमेटिक सेक्सेट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जब 6 कार्बन परमाणु परस्पर मिलकर एक रिंग बनाते हैं तो रिंग का प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु भी जुड़ता है, तो प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है और ये 6 इलेक्ट्रॉन परस्पर मिलकर इलेक्ट्रॉन का एक क्लोज सिस्टम बना लेते हैं और इसी क्लोज सिस्टम को हम एरोमेटिक सेक्सेट कहते हैं। और बेंजीन के अंदर जो स्टेबिलिटी और इसके जो स्पेशल करेक्टर जो आते हैं उन सब के लिए ये एरोमेटिक सेक्सेट ही रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए जो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं उसके अंदर बेंजीन, पिरिडीन, पिरोल, फ्यूरेन, थायोफिन, ये सारे एग्जाम्पल हम इसके अंदर लेते हैं कि इन सब के अंदर भी एरोमेटिक सेक्सेट होता है और ये बेंजीन के जैसे एरोमेटिक व्यवहार दर्शाते हैं। जिन जिन में भी एरोमेटिक सेक्सेट होगा वो सब एरोमेटिक करेक्टर और एरोमेटिसिटी शो करेंगे। दूसरे जो थ्योरी आती है उसका वो है इसका संयोजकता बंध सिद्धांत। इस थ्योरी के हिसाब से हम इसमें बेंजीन के जो करैक्टर हैं उनको हम समझाते हैं और उसके लिए हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर लिखी जाती है बेंजीन की उसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर इसके अंदर आते हैं। एक केगुले संरचना कहलाती है और दूसरी डेवार संरचना कहलाती है। इस थ्योरी के हिसाब से एक्स रे विश्लेषण से ये ज्ञात हुआ कि बेंजीन का अणु एक नियमित षटकोण होता है जिसमें प्रत्येक कोण 120 डिग्री का होता है और ये प्लेनर होता है। इसमें 6 हाइड्रोजन परमाणु उसी तल में होते हैं जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं का षटकोणीय वलय होता है और प्रत्येक कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कोण भी 120 डिग्री का होता है और कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो 1.397 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड की होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है। इस कारण से बेंजीन के सारे गुणों की व्याख्या करने के लिए रेजोनेंस की संकल्पना दी और इसके हिसाब से बेंजीन के इसके अंदर ये 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं और ये जो स्ट्रक्चर इसके बनते हैं वो इनके अनुनादी संकर होता है। अब इसके अंदर जो 5 अनुनादी संरचनाएं दी है उसमें से 2 संरचनाएं तो केकुले संरचना होती है, जबकि पीछे की जो इस स्ट्रक्चर में बताई है 3 डेवार की संरचना होती है। इस अनुनाद में केकुले संरचना का योगदान 80% होता है जबकि डेवार संरचनाओं का योगदान केवल उसके अंदर 20% ही होता है और दोनों केकुले संरचना का स्थायित्व समान होता है। इस कारण से रेजोनेंस हाइब्रिड में बराबर का योगदान ये दोनों संरचनाएं जो केकुले संरचनाएं हैं वो देती है।
और एरोमेटिक प्रकृति के लिए बेंजीन की 36 किलो कैलोरी अनुनादी ऊर्जा भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अनुनादी संरचना के आधार पर छहों कार्बन कार्बन बंध की समान बंध लंबाई तथा दोनों ऑर्थो डाई प्रतिस्थापी बेंजीन व्युत्पन्नों में कोई अंतर नहीं होता है, इसको हम समझा सकते हैं। इसलिए बेंजीन केवल 3 द्विप्रतिस्थापी उत्पाद ही बनाती है। ये इसकी संयोजकता बंध सिद्धांत था। अब मेन जो हम इसके अंदर लेते हैं और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणुकक्षक सिद्धांत। अब इस अणुकक्षक सिद्धांत के आधार पर ये सबसे आधुनिक है और सर्वमान्य संकल्पना है। इस सिद्धांत के आधार पर बेंजीन के प्रत्येक गुण की व्याख्या बहुत ही हम आसानी से कर सकते हैं। बेंजीन वलय का प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है और प्रत्येक कार्बन के 3 sp2 संकृत कक्षक में से 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु के sp2 कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि तीसरा sp2 कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बंध बनाता है। इस तरीके से प्रत्येक कार्बन परमाणु 3-3 सिग्मा बंध बना लेता है और sp2 संकृत कक्षों के मध्य में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का, जो कि बेंजीन अणु में भी पाया जाता है। तो बेंजीन में कुल 12 सिग्मा बंध पाए जाते हैं। तो कार्बन परमाणु षटकोणीय वलय की संरचना करते हैं जिसमें सभी कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु एक ही प्लेन में रहते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक एक विशुद्ध या असंकृत पी कक्षक शेष रहता है जो तीनों संकृत कक्षकों के लंबवत होता है। इस तरीके से 6 कार्बन परमाणुओं की एक समतल षटकोणीय संरचना पर समान दूरी पर 6 पी कक्षक उपस्थित रहते हैं। ये पी कक्षक आपस में कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बंध बना लेते हैं। तो C1 का पी कक्षक C2 के पी कक्षक से उतनी ही डिस्टेंस पर स्थित है जितनी डिस्टेंस पर C6 का पी कक्षक रहता है। इस कारण से C1 परमाणु के लिए C2 के साथ पाई बंध बनाना ज़्यादा संभावित रहता है जितनी कि C6 के साथ। इस तरीके से ये आपस में मिलके पाई बंध बना लेते हैं। तो बेंजीन वलय के 6 कार्बन परमाणुओं के परमाणु कक्षक भाग लेते हैं और षटकोण के ऊपर और नीचे तल पर लगातार 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 कार्बन परमाणु पर डीलोकलाइज होकर बेंजीन का पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो 6 विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3 जोड़ी स्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉनों से कम होती है, इस कारण से अणु के अंदर स्टेबिलिटी भी आ जाती है। ये यहाँ पर इसका डीलोकलाइजेशन और पाई बॉन्ड के बनने को हम समझाते हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है और ये इसकी स्टेबिलिटी को बताता है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी जिससे हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझाते हैं। अब हम लेते हैं इसमें एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर भी पढ़ी है, केवल हम यहाँ उसको वापस रिवाइज कर रहे हैं। ये सारा डिटेल के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर भी था। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक यौगिकों की विशेषताएं। पहले हम लेते हैं तो इसके अंदर एरोमेटिसिटी के अंदर जिन यौगिकों की में एरोमेटिक गुण होते हैं वो सब एरोमेटिकता कहलाती है और समस्त यौगिकों को एरोमेटिक कहते हैं। इनमें निम्नलिखित जिनके अंदर एरोमेटिकता होती है उन सब यौगिकों को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और ये गुण कौन से होते हैं वो गुण हम यहाँ पर लें जिनसे एरोमेटिसिटी का निर्धारण होता है। पहला जो विशिष्ट गुण है वो ये है कि ये यौगिक विशिष्ट स्थायित्व या फिर उच्च अनुनादी ऊर्जा
अथवा रासायनिक स्थायित्व दर्शाते हैं। दूसरा जो करैक्टर है एरोमेटिक का वो ये यौगिक असंतृप्त होते हुए भी योगात्मक अभिक्रियाओं की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। तो पहला तो क्या हो गया, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। दूसरा, इनमें अनसेचुरेशन होते हुए भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तीसरा, इन यौगिकों के अणु समतल चक्रीय होते हैं। और चौथा और मेन जो है वो है ये हक्कल नियमानुसार। हक्कल का नियम क्या है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन इनके अंदर होते हैं। तो ये हक्कल नियम की पालना करते हैं। तो इसमें हक्कल नियम के अनुसार इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर और हक्कल नियम क्या है, 4n+2, तो यहाँ n एक गुणक है जिसका मान 0, 1, 2, 3 हो सकता है। तो इनमें इस नियम के अनुसार पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये सारे गुण रखने वाले सब कंपाउंड जो हैं वो एरोमेटिक कहलाएंगे। तो इसके जो एग्जांपल हम लेते हैं उसमें मेन आता है बेंजीन, नेफ्थलीन, टोलुइन, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है और ये एरोमेटिसिटी शो करते हैं। इन सब में जो भी हमने बताए वो सारे करैक्टर इनके अंदर उपस्थित होते हैं। अब ये यहाँ पर डिटेल में इसको हक्कल नियम को समझा रहा है। हक्कल नियम क्या है, जिनमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब एरोमेटिक होते हैं और हक्कल नियम की पालना करते हैं। तो उसके इसको हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर भी लिया था और अब यहाँ पर उनके एग्जांपल से इसको समझाया है। एक एग्जांपल लेते हैं साइक्लोप्रोपीनियम कैटायन, उससे भी इसको समझाते हैं। साइक्लोब्यूटीनियम सॉल्ट लेते हैं, उससे हक्कल नियम के बताते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर साइक्लोपेंटाडाइनाइड सॉल्ट लेते हैं, ट्रोपालियम सॉल्ट, इन सब से हम हक्कल नियम को समझाते हैं। उसके बाद आता है इसका जो दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड को समझाने का जो रूल है वो है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं उन सब के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। इनमें अनसेचुरेशन होते हुए भी ये इस तरीके की सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। उनके अंदर भी हमने इसको फर्स्ट यूनिट के अंदर लिया था। इस रिएक्शन के अंतर्गत आती है, उसमें पहला है नाइट्रेशन, फिर आता है इसके अंदर हेलोजनेशन, ये सारी रिएक्शंस देते हैं। इसके अलावा सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। और जिनके अंदर भी ये एरोमेटिक करैक्टर होते हैं वो सब ये रिएक्शंस देते हैं, हेलोजनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, और ये सारी इनके मैकेनिज्म के आधार पर इनको समझाया गया है। ये सारा कुछ हम एक बार फर्स्ट यूनिट के अंदर भी डिटेल में ले चुके हैं, यहाँ हमने केवल इसको शॉर्ट में और वापस रिवाइज किया है। तो ये था बेंजीन के स्ट्रक्चर को कैसे समझाते हैं, उसके बाद में एरोमेटिसिटी क्या होती है, किन कंपाउंड के अंदर पाई जाती है, और एरोमेटिक जो करैक्टर होते हैं वो कौन कौन शो करते हैं, और एरोमेटिक करैक्टर को समझाने के लिए हम कौन से ये रूल लेते हैं, और ये किस रिएक्शन के द्वारा ये बताए जाते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक हैं, और फिर उसके बाद में एरोमेटिक करैक्टर जिनमें होते हैं उनमें किस तरीके की ये रिएक्शन संभव होती है। थैंक यू।